दिस इज अखिल रॉय एंड वेलकम टू द बीएचयू पाठशाला। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, और पिछले दो वीडियोस में हमने वोकैबुलरी सेक्शन पे ही बात करी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर रोज हम वोकैबुलरी सेक्शन की बात करते हैं, दीज आर द फाइव वर्ड्स। आज भी हम वोकैबुलरी सेक्शन पे ही बात करेंगे, दीज आर द फाइव वर्ड्स। फर्स्ट वन इज अजाइल, एलर्जियंस, एडजोन, एडवर्सिटी, आफ्टरमथ। सिर्फ ये पांच वर्ड सिर्फ देखने लायक है, और सिर्फ ये पांच वर्ड से ही हम लगभग आज कोशिश करेंगे कम से कम 30 नए वर्ड सीख सके। तो बिना किसी देरी किए हुए आए पहले वर्ड पे हम बात करते हैं। फर्स्ट इज अजाइल। अजाइल इज व्हाट? अजाइल इज एक्टिवनेस, राइट? जैसे आदमी फुर्तीला होता है, इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन दैट इज कॉल्ड अजाइल। अजाइल मतलब फुर्तीला। फुर्तीला इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं फुर्तीला। जो चुस्त दुरुस्त होता है और जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, तो पहला इसका सिनोनिम्स जो इसके नियरेस्ट है, तो उसका सिनोनिम्स पहला तो एक्टिव हो जाएगा। दूसरा प्रॉम्प्ट, तीसरा निम्बल, और फोर्थ वन इज स्विफ्ट। आपने कार देखी होगी स्विफ्ट डिजायर, दैट इज स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है फुर्तीला। फिर इसका एंटोनिम्स क्या होगा? देखो, एक्टिव जो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डल जो आलसी है, लेजी जो आइडल है, ठीक है। एक और होता है इनएक्टिव, और जो लास्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यही देगा, इंडोलेंट। तो दीज आर द वर्ड्स निम्बल, स्विफ्ट और इंडोलेंस। ये अजाइल के नियरेस्ट में आपको एक्टिव कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रॉम्प्ट, निम्बल, स्विफ्ट, और इसके अगर ऑपोजिट की बात की जाए तो इसमें से कोई अगर दे रहा है तो आप थोड़ा सा वेल नोन है, इसके बारे में अवेयर है। इंडोलेंट शायद आपको थोड़ा सा नहीं पता होगा, तो आप इंडोलेंट इसको याद करेंगे। तो ये पहला हो गया, और आई होप कि जो पिछली वीडियोस जो मैंने दी हैं और उसमें जो वर्ड्स नए नए वर्ड्स हैं जो देख रहा होगा उसने उसे प्रिपेयर किया होगा और उसका करेक्ट यूज कर रहा होगा। गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्ड सिर्फ देखना और याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके करेक्ट यूज कैसे कर पा रहे हैं। सेंटेंसेस में अगर आप उसके यूज कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए सोने में सुहागा जैसे। इससे मैं मेकिंग नहीं आता यार। तो ये दूसरे वर्ड पे बात करते हैं। अलाजियंस बहुत ही प्यारा मीनिंग है, और इसको होता क्या? सो द नेक्स्ट वर्ड इज अलाजियंस। सर मार्केट चेंज कर लीजिए, मार्केट चेंज कर लीजिए, चल नहीं रहा है। इसमें खुशी है, हैप्पी न्यू ईयर वाली। एलर्जेंस बहुत प्यारा वर्ड है, और इसका मतलब भी बहुत ही प्यारा है। एलर्जेंस का मतलब होता है वफादारी, वफा और वफादारी दोनों बहुत अपने को वर्ड्स लाइक क्या कर रहे हैं। तो चलो पहले इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, वफा का सिनोनिम्स देखते हैं भाई। तो देखो पहला चीज तो लॉयलिटी, ठीक। दूसरा है फिडेलिटी, उसके बाद है फियाल्थी, एंड नेक्स्ट वन इज फैथफुल, फैथफुलनेस। सो दीज आर द वर्ड्स लॉयलिटी, फिडेलिटी, फेयल्थी, फैथफुलनेस। ये इंपॉर्टेंट है, फेयल्थी और फिडेलिटी ये नए वर्ड्स हैं तो इनको याद करना जरूरी है। एंटोनिम्स देखो मैंने आपको बहुत पहले कह दिया कि एक वर्ड और इससे नियरेस्ट, कम से कम नियरेस्ट चार पांच याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंटोनिम्स भी पांच याद कर लेते हैं। तो एक वर्ड से कम
से वर्ड्स नए जान लेते हैं, तो आप 5 वर्ड से यू कैन इमेज इट कि यू कैन इमेज इट कि आप कितने वर्ड्स आप गैदर कर पा रहे हैं। अगर आप 50 नहीं देखो, अगर एक दिन में आपने 50 वर्ड यूज किया, और मे भी हो सकता है कि इट्स ह्यूमन माइंड एंड इट्स ह्यूमन नेचर, हो सकता है कि 50 में से आपके 10 गायब हो गए, आपके दिमाग से चला गया, 20 गायब हो गए। कम से कम द पॉजिटिवनेस इज दैट कि आपको 30 तो याद है। एंड यकीन माने कि अगर आप रिविजन करते रहेंगे और करेक्ट यूज करते रहेंगे, तो यकीन मानिए कि आप 50 में से कम 45 तो हमेशा आपके दिमाग में ही रहेगा। सो दिस इज वॉट कॉल्ड इट इज अ पॉजिटिवनेस जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। चलिए पहले हम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। लॉयलिटी की मैं डिस लगा दिया और लॉयलिटी लिख दिया डिसलॉयलिटी। फिडेलिटी में इन लगा दिया और फिडेलिटी हो गया। एक वर्ड है ट्रीजन, ट्रीजन ये वर्ड एग्जाम्स में पूछता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्रेचरी और लास्ट ये जो है सेडिशन। गाइस ये तो मैंने मेरे एग्जाम में आया था, सेडिशन ये एयरफोर्स XY में आया था और ट्रीजन MTS में आया था। इनफिडेलिटी भी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा वर्ड है और इसका इसको पूछा जा सकता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि डिसलॉयल्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों वर्ड्स अपने आप में ही बेहतर साबित होते हैं और इन वर्ड को याद करना बहुत जरूरी है। तो आई होप एलिजेंस क्लियर हो गया होगा और एलिजेंस के वर्ड्स भी आप याद करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड विच वी आर गोना टॉक अबाउट इज एडजर्न। आमतौर पर जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होंगे और क्रिकेट मैच में आमतौर पर क्या होता है कि बारिश होने लगती है ना, और बारिश होने से वजह से क्या होती है कि पूरा पिच गीला गीला हो जाता है। तो कई दफा आपके टीवी स्क्रीन पे ये दिखता होगा कि द मैच हैज बीन एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित होना, मतलब उसको रोक दिया गया। एडजर्न मतलब स्थगित। अगर हिंदी मैंने सही नहीं लिखा होगा तो प्लीज माफ कर देना, और आप समझदार हैं, सब प्यारे से बच्चे हैं आप लोग, तो आप समझ ही जाएंगे। तो इसका सिनो क्या होगा जो इससे नियरेस्ट है? एक तो पहला वर्ड जो हम कहते हैं पोस्टपोन, एक तो पोस्टपोन हो गया। दूसरा क्या? दूसरा है कॉल्ड ऑफ। ये एक फ्रेज है पर इसको हम यूज कर सकते हैं। एक है डिले, इसका नया वर्ड है जो एक है डेफर, डेफर। और एक प्यारा सा नया वर्ड जो है जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे पर ये है प्रोक्रास्टिनेट। PROS प्रॉस CRASTINATE प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब ये होता है स्थगित करना। The match has been procrastinated due to heavy rain. इसका सेंटेंस ऐसे बनाया जा सकता है, यानी बारिश के वजह से ज्यादा बारिश हो गई जिसका वजह से क्या हो गया, खेलना बंद हो गया। And its antonym is postpone, बंद हो गया। तो पहला तो हम ये लिख सकते हैं एडवेंट, या इसको ये लिखा जा सकता है बिगिनिंग, परस्यू पेसिस्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज पॉजिबल। ये वर्ड बहुत बहुत अच्छा है, पॉजिबल PERSEVERE प्रिजर्वर। प्रिजर्वर आमतौर पे हम वहां भी यूज कर सकते हैं जब आप बहुत हार चुके होते हैं। जैसे हर एक स्टूडेंट के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर कुछ ऐसा उसको मोटिवेशन मिल जाती है, फिर उसके बाद वो कहता है कि कमर कस के बांध के कहता है कि अब मैं लड़ेगा। तो फिर उसके बाद वो जो एक बार फिर से वो खुद को मोटिवेट करता है, फिर उसके बाद वो फिर से खड़ा होता है, तो वो भी एक प्रिजर्वर भी कहा जाएगा उसे।
क्या कहा जाएगा उसे, प्रसवर। तो प्रसवर उस सेंस में भी लिया जा सकता है। तो आई होप एडजर्न आपको समझ में आ गया होगा और इसका यूजेस भी करेंगे। यार देखो आप पिछले दो वीडियोस तो मैंने डाल दिए हैं और उसमें अपने तरफ से मैंने काफी कोशिश की है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सेंटेंसेस भी बताए हैं आपको, बट इट्स वेरी सैड कि अभी तक किसी ने भी लाइक फर्स्ट वीडियोस में भी मैंने यही कहा था कि यार देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि करेक्ट यूजेस आपको आने चाहिए। और ये भी बताया था कि कमेंट सेक्शन में आप जो वर्ड्स लिखे जाते हैं तो उसमें कोई भी एक वर्ड से आप एक सेंटेंस लेकर के आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। इससे होता क्या है, इससे होगा कुछ नहीं, इससे मेरा एक मोटिवेशन होता है कि चलो कोई तो है जो मेरे पढ़ा जाने के बाद वो उसे यूज कर रहा है, राइट। तो मेरी खुशी के लिए भी कुछ किया कीजिए आप लोग। अगला वर्ड है एडवर्सिटी। अच्छा मेरी खुशी के लिए कुछ मत करो, एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा कंडीशन। जैसे आमतौर पे बुरा कंडीशन का आप जानती हैं, बुरा कंडीशन क्या है, सब लोगों को पता है क्या बुरा स्थिति, बुरा कंडीशन जैसे अब बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो क्या है, वही है एडवर्सिटी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लाइट, प्लाइट, प्रेडिकामेंट, सौरव, वो। स्काउट्स, फिर उसके बाद एक एक और वर्ड है मिसफॉर्च्यून, जब किस्मत में कुछ नहीं होता तो उसे मिसफॉर्च्यून कहते हैं। तो ये वर्ड्स है एडवर्सिटी से रिलेटेड जो एडवर्सिटी को वेल डिफाइन करते हैं और जो इसका मीनिंग है वो भी इनका ही है, प्लाइट, प्रेडिकामेंट, सौरव, वो, स्काउट्स और मिसफॉर्च्यून। ये SSCC में पूछा गया था, प्रेडिकामेंट CHSL में पूछा गया था और वो NDA के एग्जाम में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है याद कर लीजिएगा। एंटो की बात करते हैं, एंटो प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलस। अगर मेरे पहले वीडियो पहले वाले वोकैब सेक्शन से आप वीडियो देख रहे हैं तो पॉपुलस पता होगा, अफ्लुएंट एक वर्ड था जिसमें मैंने बताया था कि अफ्लुएंट मतलब कि आपके पास हर कुछ होता है, अफ्लुएंट। फिर हो गया मल्टीट्यूड, फिर आपका हो गया लग्जरियंट, फिर लग्जरियंट हो गया, फिर मीरियाड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ओपुलेंट हो गया, अम्पटीन हो गया। इतने सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं, तो इनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये यहां से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अफ्लुएंट से ही जो इसके साइनो होंगे, अफ्लुएंट, मल्टीट्यूड, लग्जरियंट, मीरियाड, ओपुलेंट, अम्पटीन, अगर आप पहले से वीडियो मेरे देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि एडवर्सिटी का उल्टा ही क्या होता है, अफ्लुएंट। और अफ्लुएंट का सीनो भी मैंने बताया है, तो सीनो लगभग 10 सीनो बताया था मैंने साइनोनिम्स, तो उसके सबको इसको ऐसे छाप दीजिए आप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एडवर्सिटी। वैसे जिंदगी में एडवर्सिटीज तो आती ही रहती हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि बी योर ओन पर्सन और हमेशा हंसो, राइट। अगर उदास रहोगे तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि दुख जो दुख आया हुआ है वो ये कहेगा कि अरे यार ये तो उदास हो गया अब चलो चलते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो जस्ट बी हैप्पी एंड ये सोचो कि इससे कैसे टैकल किया जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू थिंक अबाउट इट कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसे खोजने की कोशिश करें। अब इसको उसको खोजने के लिए कोई जरूरी बात ये नहीं कि आप उदास हो जाए, आप कैसे भी खोज सकते हैं। तो बी योर ओन पर्सन, खुद पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
aftermath. Aftermath का मतलब खबर, इसे रिजल्ट भी कह सकते हैं, नतीजा भी कह सकते हैं बच्चे, नतीजा. अच्छा ये नतीजा जो होगा ना, ये बुरा नतीजा होगा लाइक नेगेटिव सेंस में. तो इसके साइनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके साइनों हम जान लेते हैं. पहला है आउटकम, फिर रेपरकशंस, रेपरकशंस और कंसेक्वेंसेस एंड लास्ट वन इज इफेक्ट. तो बस इसके सीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यही याद करें, रेपरकशंस और कंसेक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है. मैं हाईलाइट कर देता हूं जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद पेपर एनालाइज किया और उसके हिसाब से ही मैं बताता हूँ. तो मुझे जो लगता है, जो एग्जाम में ऑलरेडी आस्क्ड है, उसे मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ कि दीज आर द वर्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी सेक्शन. तो इन वर्ड्स को आप ज्यादा याद रखेंगे. ये आज हमारे 5 वर्ड्स का, उम्मीद करता हूँ कि आपके कई सारे सेक्शन लाइक लगभग आपने 30 से ज्यादा तो वर्ड मैंने नहीं सीखे ही होंगे. तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं ये वीडियो. और थैंक यू.